देखिए, यदि सडनली आपका बीपी हाई हो जाता है, आप कहीं मीटिंग में हैं, कहीं मार्केट में हैं, वहां ऐसे में आप क्या करेंगे? बीपी हाई होने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है और कई तरह के ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में करना क्या है आपको, जैसे आपको लगे कि कुछ चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बीपी शूट कर रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि मैं आपको बताऊंगा। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है धीरे से और लेफ्ट से श्वास को ऐसे धीरे धीरे भरना है। श्वास को भरकर धीरे धीरे राइट से बाहर छोड़ दें, फिर से लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 5 मिनट तक आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका बीपी सामान्य हो जाता है, आप ब्रेन हेमरेज जैसी बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। कई बार बीपी शूट अप होने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है जो बहुत ही घातक है, जीवन नष्ट कर देता है। तो आप सबको इसका अभ्यास करना चाहिए जिनका बीपी बढ़ जाता है।